बंदा हूँ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पूंज जैसु बचन रवि करनी कर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अत्याचार, अधर्म के लिए प्रभु के लीला करे के सब लोग अपने अपने धर्म पे रहे तो उन्हें फिर अवतार लेने की जरूरत नहीं। और देखे कि इतना समझाई मंदोदरी और अहंकार जब रहता है तो कितना भी विनम्रता हो, कितना भी प्रमाण हो, लेकिन लोग अहंकार के बस में होने के कारण उनका अहंकार मना कर देता है कि हमारे लायक बात नहीं कर रहे हैं। ठीक ने? जैसे प्रमाण के लिए कल्याण हो भाई, कल्याण सबके कल्याण के लिए जो उचित मार्ग है दिया जा रहा था, लेकिन जिसे भैया के अंदर से भाव निकला कि काकर बदे बाबा जी के बता दे ले, कुछ ना है। ये बड़ा बारीक है, समझे? माने कि अगर वो जिसे पानी बरसाला तो अगर वो दोगा ओगा दे दिया गाबा, माने प्लास्टर करके दोगा भी दिया गल तो नहीं चुई है। लेकिन ये कुल जौन अहंकार अभिमान ममता ये इतना बारीक है कि तू सात सात थे दोगा दे दे तब वो ही जो ना चू जाले, समझे? ऐसे देखो कहे कि जीवन में तू सब कभी कुछ कर ले नहीं, जौन कुछ कर ले खाली अहम बदे कर ले, हम भाई हमार बा वह ने रामचंद्र भाई वही बदे कुल कर्म फाबा ने। प्रभु के कार्य में कहाँ की करता, प्रभु के कार्य में तो जब शरणागत हो गई ले, जब हम हमार खत्म हुई तब ने प्रभु के काम शुरू हुई। सही है बा, क्योंकि इतना है बारीक और अब भगवान शिव जी का कृपा होएगा जौन की आप लोग अनुभव कर ले ले। अब एक बात यहाँ तक बताती है मंदोदरी कि श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह हैं, और आप जितना बलिष्ठ बलिष्ठ राक्षस रखे हैं ये सब मेढक के समान है, समय रहते वो सांप से बचा ले तो बचा ले, नहीं अगर समय चूक जाए याने तो फिर उस सब मेढक इन्हें ग्रस्त नहीं है, उतार कुल का नाश हो जाए। माने जब तक प्रभु के बाण रूपी सर मेढक रूपी राक्षस को ग्रस्त नहीं लेते तब तक हठ छोड़कर
उपाय कर लीजिए। हट है छोड़कर, जैसे जौन तुम्हार सुख स्वभाव है ना, वो है हट हो कि तू कहो कुछो गुरु और हम चलब अपने ही समझे न। और उसके बाद कह कि गुरु क्या करी, हमारा स्वभाव है ऐसा बन गल, हम क्या करी गुरु, तो वो स्वभाव ही हट हो। अब पता हो गल कि कुल ऐसे ही नाश हो गल, यही जीव नाख आँख कान चमड़ा बने और कहीं पवित्र भाव नहीं। समझ में आवा कि नहीं, एको पाए हो पवित्र तो बतावे है। तो समझो ये समय मुस्कुराना एकदम ठीक बा नहीं। कोई गए हम कहाँ रहवा था ये देखा तो नहीं, आनंद ले और समझो ये बात के स्थिति बा, चाहे कुल राक्षस बायन लेकिन सभी के अपन ना, हमार कुल हो हमार वंश हो सब कहा कुछ पढ़ी तो कहे नौ करो नहीं, यह हम हमार चलता नहीं। तो ठीक बा, जौन चल रहा बा ऊपर विचार से कर सकल आदमी की भाई, शांति से एक बार सोच ले। देखो कहे कहते हैं कि मुस्कुराना ठीक नहीं बा, रावण से बढ़ के अभिमानी के बा है। तो श्रवण सुनी सठे ता करी बानी, अब भी है सा जगत बीदित अभिमानी। सठ सठ माने मूर्ख, सठ माने सौहठ माने जे स्वभाव के बस में हो, यानी हठ के बस में हो, उसे क्या कहते हैं मूर्ख। क्या कह लें, कैसे स्वभाव छूटी जब मन निर्मल होई तब। तो मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी, अभिमान में वो पूरे संसार में प्रसिद्ध है रावण, नहीं रावण कानों से मंदोदरी जी की बाड़ी सुनकर खूब हंसा, समझे खूब हंसा। यहां से जौन बाड़ी निकला था, अब बात तो सब धर्म के रास्ते के बतावल जाता, और ये पर अगर कोई हंसे तो समझ लो रावण के कुल के ने निषाद भा देखा। यही से पहले कहने कि हंसना ठीक ठीक ने गवे गुरु, वैसे न हंसी लेकिन तू कह दिले तो हा गयल ठीक, कोई बात नहीं ठीक ने। अब देखो बारीकी पकड़ जा कि एक अहंकारी को अगर सही शिक्षा देंगे तो उसका जो भाव है वह कैसे कैसे करवट बदलता है, ये बात के बड़ा अच्छा से समझ ले। तो कहता है खूब हंसा मंदोदरी जी की बात, पहले तो ही समझ ले कि श्री राम जी के बाण वो सांप कैसे बा, सांप ठीक ने, एके समझ ले।
अब वो है अनादि तत्व, तत्व है माने उनकर आदि अंत, तो उनकर काल रूपी धनुष हो, काल रूपी तो जनल है क्षण निमिक दिन महीना वर्ष युग परमाणु ये सब कुल जो है बाण है नहीं। और आदमी देखो ये बाण से मरते बहन ने सब कोनो भी जीव हो सब एक समय के बाद खत्म नहीं होता है ने? हाँ तो जो समय के जो सीमा हो जन्म से मरण तक ये है सब मरता मरते बा तो जे मरता तो एक अर्थ बा कि वो काल के ग्रस लेता ओके और वो सांप मेढक के खैबे करोला। हाँ तो यही जो समय है वही बाण है और जो काल जो बना दिया गया है युग बड़ा वाला ओ कल्याण हुआ ओ इसके भी बाहर है। काल तो उन्हीं का सेवक है, काल जो है वो प्रभु का, हाँ वो काल के बाहर है, प्रभु काल के बाहर है, अनादि है, जिनका आदि अंत है ही नहीं तो अंत नहीं बा, तो काल के घेरा में कहाँ बहन। और बाकी सभी जीव काल के घेरे में ठीक। और सबका अपना अपना आयु है ठीक न, तो यही प्रकार से जो समय बा इस सांप की तरह बा, और कोई भी जीव का निजी अस्तित्व नहीं बा, कोई भी जीव हो उसका निजी अस्तित्व नहीं है। किसी से भी पूछेंगे कि अपने नाना जी के दादा जी का नाम बताइए, क्या नहीं हमें नहीं पता नहीं। हाँ तो न तो रूप यहाँ पर स्थिर होने वाला है न तो नाम, बस ये कहीं नाम अमर है श्री राम नाम, ओकरे आगे कौन नाम रुके वाला बा, का नाम बा आपके सोनू भाई ठीक ठीक समझा जाए बात के ठीक ना। तो काल ही तो बात सांप वह ग्रस लेता, बाकी जीव तो मेढक के समान बा। तो देखा जाए कि जगत प्रसिद्ध मूर्ख और अभिमानी रावण मंदोदरी जी की बात सुनकर के पहले खूब हंसा और कहता है कि सब है ये स्वभाव अनारी करे साचा मंगल महु भय मनयति काचा। कहता है कि स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है ना, मंगल में भी डरती हैं, उसको लग रहा है कि मंगल होने वाला। हाँ और कहती है कि कहता है कि तुम्हारा मन यानी हृदय बहुत ही कच्चा है, मंगल में भी डर रही हो। जवा वही मरे कट कट काई अजी यही बिचारे निशिचर खाई। कहते हैं वो कहता कर रहा है रावण मंदोदरी से
यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर जीवन निर्वाह कर। अभी एक हनुमान जी पहुंचल हैं और सब नहीं रहे, लेकिन देखो अहंकार में कोनो कंप ही लोक जा की त्रास ता सुनारी सभी ते बड़ी हासा। कह रहा है कि लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, मैं ऐसा रावण हूं कि मेरे डर से लोकपाल भी कांपते हैं और उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात। जाने देखे अहंकारी लोग नहीं। तो वसे कही बिहसी अताहि उरे लाई अचले उस सभा ममता अधिकाई। रावण इस प्रकार से हंसकर मंदोदरी को हृदय से लगाकर फिर ममता बढ़ाकर, ममता बढ़ाकर यानी खूब स्नेह दिखाकर सभा की ओर चल दिया। ठीक ने? तो मंदोदरी हृदय कर चिंता भय कंत पर विधि विपरीत। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी, कंत माने पति, कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ये अहंकार विधाता का प्रतिकूलता बा, इहो समझ ले कैसे। देखो चाहे स्वस्थ शरीर हो, चाहे धन हो, चाहे बहुत बड़ा घर हो, या गुरु का पद मिला हो, या शंकराचार्य हुआ, तो मत घेरे रही है। ठीक ने? ते वो कहा भगवान के लोग मान ले, हमसे बड़ा केवा है 50 बीघा का कष्टकार किले भाई ये सब मत हो। यानी ते बुद्धि, ब्रह्मा जी तो भाई पवित्र बुद्धि से रचना खाली करता है। ठीक ने? तो देखो जहां मन लगे चाहिए परमात्मा में, अब वो मन लगा माने कि धन में, दौलत में, मद में, तो विपरीत नहीं बा, तो वह बुद्धि विपरीत बा, बुद्धि विपरीत बा। तो बैठे हूं सभा खबरिया सिपाही सिंधु पार से ना सब आई। वह जाकर के जैसे ही सभा में बैठता है रावण, तैसे ही उसको खबर मिल जाता है कि सिंधु, सिंधु यानी समुद्र के उस पार सेना आ चुकी है। तो बूझे सी सचिव उचित मत कहूं अते सब हंसे मस्त करी रहू। तो अब मंत्रियों से पूछा उचित सलाह कहिए क्या किया जाए, माने क्या करना चाहिए। तो जो मंत्री है वे सब हंसे, कह रहे महाराज चुप रहिए, क्या कहते हैं, जाने हंस रहे हैं, उचित सलाह नहीं दे रहे हैं कि इसमें सलाह की कौन सी बात है। देखो जीते हूँ सुरासुर
तब श्रम नाही अनर बानर के ही लेखे माही। जब आप सभी देवताओं और राक्षसों को जीत लिए तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ। ए आदमी और बानर किस गिनती में है महाराज, इसमें सलाह की कौन सी बात है? तो जैसा राजा होता है वैसा ही उसके मंत्री होते हैं, ठीक ना? इसीलिए राजा को धर्मशील होना चाहिए और सत्य व्रत को धारण करने वाला धरती पर एक भी राजा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं है। कक्षा चार पास करने की ताकत सोनू भाई कोई में बाय नहीं, जो कि एकदम सत्य बोले, जो अंदर हो वही बाहर हो। बा कोई दिखाता नहीं। बोला बिहारी भाई, आपके कोई दिखाता जो अंदर बाहर है को? हाँ आप है, चले मन जोन सोचला उहे करले उहे बोलले तीनों। ठीक समझे के जरूरत बा। बहुत बात ऐसा बा जो सोचत हो बे और कोई पूछे कि का सुनू का सोचत है तो नहीं कुछ नहीं, सबसे वो बात बता नहीं सकते ने कि बता सकल जो सोचल सब बताओ ले सबसे नहीं। चले वो कथा के बीच में तो ज्यादा डिस्कशन ठीक नहीं बा, अलग से बैठबे तो समझिए। अगर ऐसा भाव बा ठीक ने, कहे कि धरती पर एको गुरु तक नहीं बैन कि जे बात पे अपने आप के खड़ा कर सके, ठीक ने? कलयुग बा बहुत अलग बा, ठीक। वैसे ऐसा भाव बात अच्छी बात बा, ठीक। तो इस प्रकार से देखियो मंत्री कर रहे। कबीर बुद्धा मुहम्मद परमहंस इन सब के पास ताकत नहीं, सब मीठी मीठी बोली सिखाते हैं, सब मीठी मीठी बोली सिखाते हैं। यही पर भगवान शंकर जी की बाड़ी है कि सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगीन नाश। मंत्री वैद डॉक्टर और गुरु तीनों यदि लालच में या भय बस मीठी बाड़ी का सहारा लेते हैं तो क्रमशः राज शरीर और धर्म का नाश हो जाता। आज धर्म कहाँ नहीं है, कहाँ धर्म? जो सत्य व्रतधारी रहेगा उसके मन में चिंता नहीं होगा, जो पक्का पक्का रहेगा अंदर बाहर से एक, उसके मन में चिंता का जगह नहीं होगा, ठीक ना? तो देखिए
सब कहते हैं बहुत बड़ा ज्ञानी था रावण, है दूसरे के मेरा जी चुरा ले। चले आओ समझा जाए, क्योंकि शिव समान कोई बन नहीं पाया, सबको नाम करना है। भगवान शंकर जी की बाड़ी काट के नया नया पंथ रचना है, शंकर जी के पिताजी बन गए सब। ये जितना नया नया सब देख रहे हैं, ये रचना भगवान भोलेनाथ की है। तो शंकर जी के बहु पैदा हो गया भा, ऐसे अगर अलग हट करके आप कुछ कर रहे हैं तो शिव जी का विरोध हुआ या नहीं? मार्ग मिला है, लेकिन आप इस मार्ग पर न चल करके एक अपना अलग से रच रहे हैं, तो इससे अलग कर रहे हैं, तो इनका विरोध कर रहे हैं या नहीं? निषाद राज भाई ठीक, बुद्धि पवित्र हुई नहीं, अंदर में इच्छा है, लालच है कि नाम करना है, शरीर का फोटो पूजा कराना है, चेला बनाना है, गाजा का अड्डा खोलना है, दूसरे के पत्नियों से स्वामी कहलवाना है, इतना सुअरपन बैठा हुआ है ना, और ऊपर से गुरु बनता है सब। जिसके अंदर लालच का एक भी अंश होगा उसके बुद्धि में कपट होगा अवश्य, यही ना, जहां लालच होगा वह बिना कपट के संभव नहीं, और लालच से पूरे धरती का एक व्यक्ति तक खाली नहीं है, हर किसी के मन में लालच बैठा हुआ है। हाँ महाराज, किसी में कम किसी में ज्यादा है, सब में। विचार कर्म और बाणी से एक होना ये बड़ा रहस्य है, अलग से उसको समझेंगे तो बात आएगी, ठीक ना। इसका यही है प्रमाण, यही है कि उसके बुद्धि में चिंता का जगह न हो, जो तीनों से एक रहेगा वह चिंता कभी, कपट ही चिंता पैदा करता है। ठीक, तो देखिए आज धर्म नहीं रहा, धर्म नहीं रहा, तो हुआ क्या कि सोई रावण कहूं बनी सहाई, अस्तुति करही सुनाई सुनाई। वही रावण के लिए भी वही सहायता, यानी संयोग आ बनी, मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते, अरे महाराज का चिंता बा, सब जो है कल्याण हो भाई कल्याण। देवता और राक्षस के जीत ले ले तो कोनो कष्ट नहीं भा, आए और ये बांदर और मनुष्य कोनो गिनती में बै, बड़ा सही प्रसंग बै के समझो। अवसर जानी विभीषण आवा, अभ्राता चरण शिशु तेहि नावा। वही अवसर जानकर भाई विभीषण सभा में आते, और आकर के बड़ा भाई है रावण तो उसको प्रणाम करते। हाँ, तो पुनि सिरुनाई अब बैठे निजे आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। फिर सिर नवाकर अपने आसन पर विभीषण जी बैठ जाते, और आज्ञा पा करके बाणी बोलते, आज्ञा
कि जौ कृपाल पूछिहु मोहि बाता मति अनुरूप कहऊं हित ताता। देखिए कितना आदर्शवाणी विभीषण जी रावण को समझा रहे। कहते हैं कि आज्ञा पाने के बाद रावण को कह रहे हैं कृपालु, रावण को क्या कर रहे, कहते हे कृपालु जब आपने मुझसे बात यानी राय पूछी ही है तो हे तात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता तो यदि बुद्धि में अहंकार भरा हो तो हित की बात भी अच्छी, वो लगेगा कि उल्टा ही बोल रहे, जैसा जो है कि लोगों को भला समझ में आता अपने हिसाब से, है ना? जैसे लोभी है तो उसको जब उपाय बताएंगे कि इस हिसाब से आपको धन मिलेगा तभी उसको अच्छा, लोभी है और उससे अगर त्याग की भाषा बोलेंगे तो कहेंगे बड़ा कह रहा है ना, यानी तो ध्यान दीजिएगा बड़ा रहस्यमय बाड़ी है क्योंकि यह सब प्रभु के कृपा से आप लोग समझ पा रहे हैं। पहली बाड़ी जो विभीषण जी देने जा रहे हैं उसमें कहते हैं कि जो आपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना असो पर नारी लीलार गोसाई तजउ चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण सुंदर यश सुमति सु यानी सुबुद्धि शुभ गति और नाना प्रकार का सुख चाहता हो हे स्वामी वह व्यक्ति पराई स्त्री के ललाट को, ललाट तो माने मस्तक होला, चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दे। जैसे कावल आऊ कार्तिक या कोनो भाद मास में भादों में जौन अकलंकित चंद्रमा बा इंद्र जो है वो अहिल्या जी से कुछ दुराचार करे रहे ना तो वो दिन का चंद्रमा कोई देखत नहीं। तो जैसे लोग भाद मास के उस चंद्रमा को नहीं देखते शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, उसी प्रकार पराई स्त्री का मुख नहीं देखना और कलयुग में ठीक उल्टे बा है। अब देखें थोड़ा समझिएगा, सिर्फ किताब पढ़ के ज्ञान पा जाने से कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाएगा। इतिहास भूगोल की तरह रोट ले ले तो उसे ब्रह्म ज्ञानी। 14 भुवन एक पति होई भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई अगुण सागर नागर नर जोऊ अलप लोभ भले कहई न कोऊ।
14 भुवन, एक तो धरती खाली देखता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन है, 14 भुवन, 14 भुवन का कोई एक मालिक हो अकेला, और उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी लालच है तो उसे कोई भला नहीं कहता, ठीक ना? ये वेद नीति है, पक्की पक्की बात है। और यदि वह जीवों से बैर करता है तो अवश्य ही नष्ट हो जाता, माने पूरे ब्रह्मांड का एकलौता स्वामी अगर वह जीव से बैर करे तो अवश्य ही नष्ट हो जाए। और गुण सागर, वह भले से समस्त गुणों का समुद्र हो और चतुर हो, यदि थोड़ा सा लोभ है उसके अंदर तो कोई उसे भला नहीं कहता, कल्याण हो। धरती पर तमाम लोग गुरु का गद्दी पर बैठे हैं, सबको धन चाहिए, चेला चाहिए, नाम चाहिए, पूजा चाहिए, कुल लालच भर के, जबकि संत की अवस्था में निजी इच्छा नहीं होना, क्योंकि निजी इच्छा का अंत जब होगा तभी जो है कि आप खुल के परोपकार की बात कह सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप इच्छा से बांध दिए, जैसे वो सब गाय भैंस है, अगर उनको खूंटा से भैया बांध दिए तो कितना भी कोशिश करें लेकिन उसी के चारों ओर घूमेगी। तो अगर इच्छा है कि हमको बड़ा सा आश्रम खोलना है, चेला बनाना है, संसार में स्थापित करना है कि मैं ही श्री राम जी का को पैदा करने वाला परम ब्रह्म हूँ, शरीर का फोटो पूजा कराना है, तो आप जो है उसी इच्छा का गुलामी में मीठी बाड़ी का सहारा लेकर के कार्य करेंगे। इसलिए निजी इच्छा का कहीं जगह संत के अवस्था में अल्प लोभ, ये भगवान शिव जी की बाड़ी है, माने थोड़ा सा भी लालच का जगह। लेकिन आज कलयुग है, कलयुग में सब ऐसे ही चल रहा है, जो दूसरे का बिना मांगे धन हरण कर ले, मेहरारू दूसरे का स्वामी खुद यह कुल जे करा दे वही के साथ बड़का गुरु। तो ध्यान दें, इसके बाद विभीषण जी कहते हैं, समझा जाए, कहे कि जो शरीर बा रामचंद्र भाई, ये जो शरीर बा, शरीर अधिक से अधिक कुल स्वार्थ का त्याग करके परमार्थी बन सकला, लेकिन ये परमात्मा, हाँ अभी कहो कि शरीर एक है धूल के कण से पैदा नहीं कर सकते अलग से, अपने नाकी पर के बाल पैदा करे चाहे तो संभव, हाँ। और स्थिति में परमात्मा प्रभु श्री राम जी के जब बात होता तो मैं हनुमान जी भाई देखो सीधा कहता है कि जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जेकरे बल से ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव जी काम करता है, हम उनका दूत है, ठीक ना? ठगी आ गया, भीड़ जुटा हुआ आ गया तो बाबा जी ऐसे थोड़ा बोला, साधु से तो थोड़ा सा भी कष्ट न हो के जाए। ध्यान दे, कलयुग का बड़ा विकराल प्रभाव पड़ गया बा, लालच से को दमिया नहीं खाली बा, तो लालच से बुद्धि बढ़ा बा नहीं, तो वही बताने लोग प्रयास करिए, माने समझे के बाद बा पवित्र भाव से। अब ध्यान दे राम जी भाई, रामा जी जेके चाहे जियावा और जेके चाहे, आत्मा माने प्रभु श्री राम जी, वो निकल गए
शरीर तो ध्यान दे राम जी भाई। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरी रघुबीर ही हजहु भजही जेही संत। कामना का कामना कामना का अर्थ कब जीभ नाक आंख कान और चमड़ा पांच के जोन वस्तु अच्छा लगा था ओकर कामना धन वंश चेला नाम और पूजा प्रतिष्ठा पावे के कामना ई दसों के कामना क्रोध घमंड और लालच ये सब नरक के मार्ग देखो तो कुल संसार यही पर चलता ना एक बाहर के बा पूरे धरती पर देखबा तो सब यही दशा पर काम करता भाई ने सुनो जीभ नाक आंख कान चमड़ा के वस्तु पाओ बदे चाहे धन वंश चेला नाम पूजा पावे बदे इन नरक का रास्ता ई सही मार्ग ई फसाई बने ठीक ने। तो जो इन सबों को छोड़कर जो नहीं पहले कह रहे हैं विभीषण जी भाई रावण से कि भाई इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का निष्काम भजन करिए जिन्हें संत यानी संत सतपुरुष भजते माने निष्काम भजन में लीन रहिए। कोई पहुंच गया भगवान के कृपा से तो उसके लिए जो मार्ग है वह दे दीजिए और अपना कोई आपका प्रयोजन नहीं होना। यदि आपका कोई प्रयोजन है तो आप संत नहीं है। यदि आपको गुरु दीक्षा देना है, है गाजा का अड्डा खुलवाना है भक्तों का बिना मांगे धन हरण करना है, है ट्रैक्टर का ट्रैक्टर जो है आलू आटा गेहूं सब पाना है जमीन हड़प करना है ये सब प्रयोजन है ये सब पाखंड है ये संत का कार्य ठीक न। और देखिए क्या कहते हैं विभीषण जी, विभीषण जी को कैसे राम जी का शरणागति मिला है कितना जानते हैं विभीषण जी। आपके अंदर जो जीव बैठा है वही विभीषण है वही। तो कहते हैं विभीषण जी कि तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर काला हूं कर काला। कहते हैं हे भाई श्री राम जी वो कोई मनुष्यों के राजा नहीं है वो अखिल ब्रह्मांडों के एकलौता स्वामी और काल के भी काल है। काल के भी यह जो ब्रह्मांड दिख रहा है जहां पर शरीर पड़ा है ऐसे ही कई ब्रह्मांड है क्योंकि अनंत व्यवस्था है ठीक ना। और सभी ब्रह्मांडों के एकलौता स्वामी है प्रभु श्री राम और एक ब्रह्मांड के ईश्वर है श्री महादेव ठीक ना यानी सत्य ठीक। तो सीता जी हो गई भुवनेश्वरी सभी भुवनों की एकलौती मलकिन
आदिशक्ति उन्हीं को कहते हैं। तो देखिए इसमें आया है कि तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर का लहु कर काला। इतना आप जानो ठीक ने। वो अनादि है, उनको काल से कोई मतलब, और यहाँ जीव के सबके डर लगल ने। लाल बिहारी भाई अब एकदम कुल मन लगा दे प्रभु के चरण में, बाकी संसार से सब जितना संसारिक रिश्ता रहा सबके प्रणाम करके कह दे कि अपन मन दे देता ही भगवान के भाई, अब तू सबे कुछ हो पूछे की जरूरत। सरजू भाई ये आज बात हो जाई। देखा हाँ खाली एकदम कहे कि यही अंतिम स्थिति बा कि अंतिम में कुल मन भगवान के चरण में लग जाए के। दुखरन भाई तन्नी सागर मोह रह जाए तो अपने में मिले हैं। ये ऐसा व्यवस्था बन कि इन्हें चाहिए परम पवित्र प्रेम, ठीक न। इस सत्य के समुन्दर थोड़ा सा भी मोह रही तो चाहे तू ज्ञानी हो जा, बैरागी हो जा, तपस्वी हो जा, कुल शरीर अपन चटवा के दुका से खत्म कर दो, उससे उनका लेना देना। परम पवित्र प्रेम जिसमें कहीं छल कपट और भेद का जगह, तो ब्रह्म है या नाम है अज भगवंता व्यापक अजित नादि अनंता। देखिए कितना विभीषण जी कह रहे हैं कि भाई प्रभु श्री राम जी संपूर्ण ऐश्वर्य माने जो लक्ष्मी से ऐश्वर्य उत्पन्न हो रहा है, ये वैराग योग ज्ञान विज्ञान यश श्री धर्म सबके भंडार है, जिसको मिलता है उनको उन्हीं के पास से जाने। आज धरती पर श्री लिखने के लिए एक भी व्यक्ति अधिकारी नहीं है जिसके नाम के आगे श्री लिखा जा। श्री का अर्थ ही होता है शांति सुमति और पवित्रता। कहा बा के बा पूर्ण रूप से जो है कि भगवान के शरणागत हो, ओठना से तो शुरुआत बा सुमति के ने। पंचम भाई यहाँ सब जने अपने परिवार के चक्कर में पड़ा है, हाँ बस मछली बेचे के बा और खियाव जियाओ बा और कुछ मतलब, ठीक ने। सब प्रभु का लीला हो, यहाँ कोई कोई कहो ये जितना रिश्ता कुल माया कहो, जितना रिश्ता बा और वे विकार रहित है, उनके अंदर कोई विकार माने विकार वही अहम और अहम से उत्पन्न जितनी व्यवस्थाएं हैं उससे उनका कुछ लेना देना। अजन्मा है वे माया के प्रकार से पैदा, जैसे बाकी शरीर हो रहा है माता पिता से, तो वैसे वो पैदा होने वाले माने मैथुनी क्रिया से परमात्मा कभी धरती पर नहीं आते। और यहाँ देख तो कुल रसवन जो है अपने के भगवान बना होता है, कोई कहता हम शंकर का अवतार ही तो कृष्ण का अवतार ही, अरे तू कुछ नहीं है, तू लोभ के भाड़े का नौकर है, बाकी कुछ है। यह निश्चित है कि माया के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो परमात्मा को अवतारित कर दे। दुखरन भाई ये पक्का पक्का जान ले, जो जोने क्रिया से लड़का पैदा हो ले वो क्रिया से भगवान नहीं हो दे। यहाँ अधिक से अधिक जब शरीर मिला बा तो आप अधिक से अधिक
धरती स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति समस्त सुख भोग के इच्छा के त्याग करके परमात्मा का भजन कर सकल है, और जे परमात्मा का सेवक हो उन्हें सदमार्ग दे सकल है। और लोभ का कोई अंत नहीं करेबा, अब वही तो पूरे धरती का जो है कि भगवान बने के बा हीड़ा का सपू के तरह भाई, यानी अपने ही नाम का जयकार कंस रावण यह कुल ने। और कहते हैं विभीषण जी कि गोद्विज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। गाय ब्राह्मण ओ गो अच्छा धरती ब्राह्मण गाय देवता और भक्त इनके हित के लिए कृपा के समुन्दर श्री राम जी मनुष्य का शरीर धारण किए भक्त जो है बड़ा विश्वास के साथ प्रभु के सेवा में लगा थे ने? नहीं लेकिन ये नास्तिक व्यवस्था बा एक समझे वाला आज हर जगह ब्राह्मण विरोध ध्यान दे इतने नहीं जन रंजन भंजन खल ब्राता अवेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। वे भक्तों को सुख देने वाले और खल भंजन राक्षसों का नाश करने वाले हैं और वेद धर्म के रक्षक हैं। आज कहीं वेद के मार्ग पर एक भी व्यक्ति नहीं है धरती पर जो कि आदर्श वेद मार्ग पर चल रहा हो। ये सब बाड़ी माइंड में अपना रखे रहिएगा, अकेले बैठ के बात करिएगा वो बता दिया जाएगा, समझे? पक्का पक्का नहीं बा पक्का के करना। हाँ वैसे तो जाता है मंदिर में पूजा करता है पंडित जी, लेकिन हर जगह लालच में यानी कहता है चंडिका माई अगर हम पास हो जाए विंटर में तो तुके जोनों की 1.25 किलो जोनों बेसन के लड्डू नहीं। हर जगह लालच है तो बा यानी समझो ये कलयुग में बड़ा बेकार स्थिति हो गया था। चलो तो प्रभु श्री राम ही जी हैं जो कि वेद धर्म की रक्षा करने वाले। और आज स्थिति बा कि शरणागत भावे कहीं नहीं बा राम सिंह भाई उबा का देखो तीसरा बैठो पंचम भाई तू अपन चीत यही रख राम जी भाई से कहा था ने कुछ अलग रहस्य बा सोनू भाई जने गाय की स्थिति बहुत बिगड़ चुका बा। ये धरती का मुख्य वैज्ञानिक अमेरिका से बनावा गया है शरीर के और मन का शुद्धिकरण करे बदे पूरे धरती से एक व्यक्ति तक सामने नहीं आया। कहूँ कही हम गुरु है शंकराचार्य है महामंडलेश्वर है महंत है आश्रम का मालिक है तू कुछ नहीं है खाली लालच के कपट के भाड़े का नौकर भाई है। कक्षा 4 में पढ़ा जला न साच बराबर तप नहीं ठीक ने देखो के धारण करे वाला बा जब कथा संपन्न हुई तो ओकरे बाद बैठ के समझे कहे कि
वह व्यक्ति धारण कर सकल जे कामना से मुक्त हो सत्य के कामना बात देखे झूठ बुला जाई जने ध्यान से देखो बुला जाला कि नहीं नहीं बुला कहीं चले तो ऐसा बात बात हो आराम से बैठ के गणेश जी से बात करिए गणेश जी के जानल है आप कहीं रिश्ते में आलवा है अच्छा कहाँ रहा है ये बाहर बा अच्छा ओह ठीक तो कहते हैं विभीषण जी कि ताही बयरु तजी नाय माथा प्रणता रति भंजन रघुनाथ अदेहु नाथ प्रभु कहूं बै देही भजहु राम बिनु हे तू सनेही। विभीषण जी कहते हैं कि हे भाई बैर त्याग कर प्रभु श्री राम जी को मस्तक नवाइए बैर त्याग कर और वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले माने जो प्रभु के शरण में है उसके पास दुख का कोई नामो निशान नहीं होना। अगर किसी के पास दुख है तो वह प्रभु का शरणागत नहीं है। ये ने और देहु नाथ प्रभु कहूं बै देही अभजहु राम बिनु हे तू सनेही। कहते भाई उन प्रभु यानी सर्वेश्वर सर्व यानी सबके ईश्वर सबके शंकरों जी के ईश्वर ब्रह्मा जी विष्णु जी सबकर एकलौता ईश्वर जने समझो तो संगी बहन बाबा जी थोड़ो बहन सोनू भाई ने संगी समझो ये कोनो बाबा बीबी नहीं बहन बात समझ जा। ऐसे सर्वेश्वर श्री राम जी को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। आप लोग जो भी कार्य करते हैं सब में कारण है बिना लालच के कोनो काम नहीं करते कुछ नहीं तो मान सम्मान होए नहीं और प्रभु बिना कारण के ही स्नेह करते गणेश जी विभीषण जी कहते हैं देखो बहुत बड़ा रहस्य बा कि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है नहीं आज गुरु के गद्दी पर जितना बैठे सब विश्वद्रोही है अंदर से बहन कपटी और बाहर से दिखाओ बहन कि हम बड़का
बाबा जी भाई नहीं लालच के देखो नहीं बे पिटारा भंडारा नहीं। तो जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगाए तो पूरा विश्व द्रोह है बाने शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। ठीक देखो प्रभु इतना बड़ा बाय तुझा सुनाम त्रय ताप न सावन असोई प्रभु प्रगट समुझु जिय रावन। जिनका नाम तीनों प्रकार के तापों का नाश कर देता क्या नाम है श्री राम। तो जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए। ठीक तो बार बार पद लागौ विनय करौ दस शीश परिहरी मान मोह मद भजहु कोसलाधी। अब देखो यह दोहा पकड़ा एक है कहते हैं कि हे दसशीष मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूं और विनती करता हूं मान माने अभिमान मोह वही धन वंश चेला नाम और पूजा प्राप्त करने की कामना इसी को मोह कहते और मद यानी घमंड को त्याग कर कौशलपति श्री राम जी का निष्काम भजन आप करत आया तो ठीक भाई और नहीं करत आया तो मामला कुछ थी ये ना यही से भजन में कोनो कामना तो ऐसा भजन कब होई जब निष्काम सेवा करवे और जब कामे में भाई बहू के बात मान के सेवा करता है और लालच भरावा कि बहू धन हमें देवे वाला सेवा सेवा और यह सारी बात ऐसा नहीं कि विभीषण जी बना के कर रहे हैं। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन कही पठई यह बात अतुरत सो मैं प्रभु सन कही पाई सुअवे सरुता। विभीषण जी कहते हैं कि भाई दादाजी मुनि पुलस्त जी अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है माने कहलवाए और सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी माने यह मेरी बात ये दादाजी की बात है जो कि आदर्श संत थे यानी। लेकिन ब्रह्मा जी के प्रपंच में ईसा बाकी देखो इतना आदर्श संत और उन्हों के कुल में रावण
तो देखिए विभीषण जी की बात रावण सुनता है, लेकिन जब जो अहंकारी है ना, वो किसी का बात नहीं मानता, वो सिर्फ अपने ही मन की नौकरी करता है। तो माल्यवंत यति सचिव सयाना पासु बचन सुनी अति सुख माना अतात अनुज तव नीति विभूषण सौर धरहु जो कहत विभीषण। मल्लवान ऐसा मंदोदरी का पिता है नाना, ठीक ना, दादाजी भेजे हैं एक कहना, मतलब ये सारी बात जो आप सुने हैं, और वो मंत्री है, बुद्धिमान मंत्री रावण की, ठीक ना। तो वे विभीषण जी की बाड़ी सुनकर बहुत सुख माने माल्यवंत जी माल्यवान, और कहे कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण यानी नीति को आभूषण रूप में धारण करने वाले, जैसे राम जी भाई उन्हों के कोई अनीति के बात कहला तो अच्छा लगला नहीं लगत ना, तो एक अर्थ है कि आप नीति के आभूषण के धारण, और जो नीति के आभूषण के धारण नहीं कर वो कितनों सोना हीरा मोती पहने वो बेकार बा, ये नहीं गणेश जी। विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए, लेकिन देखो रावण ऐसा करी। अहंकार एक बहुत बड़ा बीमारी है, मानसिक रोग। तो रिपु उत कर से कहत सठ दो दूरी न कर हुई हाई को। तो रावण का ये दोनों मूर्ख विभीषण और मालवंत जी को क्या कर रहे हैं, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है इन्हें दूर करो। रावण देखो ऐसे ही बा, तब तो मालवंत जी वो तुरंत घर लौट गए कि जाए तो कोनो चिचुरा पकड़ के निकाले भूखने पहले ही, समझे ये ने। और विभीषण जी देखिए भाई है ना, और आप लोग इतना पहले सुन लिए कि जितना पवित्र शिव जी का सत्य है उतना ही पवित्र ये भाव होता जो आप संसार में जीते हैं, जिन्हें माता पिता कहते हैं भाई कहते हैं उनके बीच का संबंध भी उतना ही पवित्र है जितना शिव जी का सत्य। इस भाव से कोई जीवन जीने वाला आज तक दिखाई, जने सब जने अपने बहुओं से झूठ बोले बहन, पिताजी से भी जब समय आता है तो लोग झूठ बोल दिए हैं, समझे। तो बोले गणेश जी चाहे 500 मांग लिया 2000 जाने, लेकिन सोनू भाई कही है कि नहीं हम नहीं बोले है। देखो समझा जा ये बड़ा मित्रवत भाव में। तो समझो यह जोन बोले जात है विभीषण जी, यह विश्वास का आधार बना बा कि सुमति कुमति सब के उड़ रही
नाथ पुराननी गमयस कहीं एक अनुभव करो। हाथ जोड़कर विभीषण जी कह रहे हैं कि हे नाथ, अठारहो पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि पवित्र बुद्धि और अपवित्र बुद्धि, पवित्र बुद्धि माने सुमति, अपवित्र बुद्धि माने कुमति, ये सबके अंदर माने हृदय में रहती। जैसे देखा रामचंद्र भाई, आज भी जब अच्छी बात बतावल जाता तो आप लोग अनुभव नहीं करता है? अगर अच्छी बुद्धि न रहत तो कहाँ से अनुभव? तो बात सबके अंदर, ये बात नहीं बा, ये समय कुमति बड़ा प्रभावी हो जाबा। कलयुग का कुछ प्रभाव बा, बाकी कोनो दिक्कत? और एकरे आगे का लाइन सब जने जानल है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जने जहां पर सुबुद्धि है वहां पर नाना प्रकार की संपदाएं यानी सुख की स्थिति रहती, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति यानी दुख रहती। बात एकदम साफ साफ, अगर कहीं दुख हो देखकर मतलब कि वहां के लोग कुमति का शिकार, यह न दुखरन भाई, वेद पुराण तो यह कहता है। तब उरे कुमति बसी विपरीत, हित या न हित मानहु रिपु प्रीत। और साफ साफ विभीषण जी कर रहे हैं, जो भगवान के सेवक है उनको सही बात कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता। आजकल निषाद राज भाई बड़े जो है साफ साफ बोला शुरू कर दें सबसे, ठीक ना? राम खिलौन भाई कम नहीं बहन, गणेश जी नहीं कम बहन, सरजू भाई भी अपन तहार देता है जने। अब रामचंद्र भैया का हाल बा, कोई जो है अभी पता नहीं बा उनका गुप्त बा, आप लोग सब है। अरे राम सिंह भाई कहाँ पीछे बा, हड़का देता है इनकी, ठीक ना? जय भात बोला ले साफ साफ। चलो ठीक, तो कहते हैं भाई रावण, आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आके बसी हुई। उल्टी माने कुबुद्धि, और इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे नहीं। एक पुत्र के लिए पिता से बढ़ के हित करे वाला के होई? लेकिन देखे आज का राक्षस ऐसा लड़का बहन कि माइये बाऊ के जनो बुढ़ौती में अलग कर देता है न दुकरन भाई। देखो ये समझो, एक पुत्र के लिए पिता से बढ़ के शुभ चिंतक लाल बिहारी भाई, देखो नहीं हो सकत न। और एक पुत्री के लिए माँ से बढ़ के कोई शुभ चिंतक नहीं हुई, लेकिन अपने माई के न मनी है, मौसी के मनी है, है? हाँ। और एक पतोहू के लिए सास से बढ़ के कोई शुभ चिंतक न हुई, लेकिन पतोहू के देखब तो वो कुछ नहीं, वो तो सीधे राम सिंह भाई, वो अपने बहन और माई के मानी कि सासू के मानी। जब यहाँ से बाणी होला आप लोगों के दिमाग में एक बात आवत हुई जरूर, राम जी भाई गजेड़ी कभी जोनो की भगत बन सकल है? ये बड़ा आनंद वाली बात बा है कि यहाँ से यही के कहले नू भगवान का डंडा चला ला तो देखात नहीं, लेकिन लगा ला बड़ा तगड़ा, ठीक ना? शायद एक आगे समझौत है।
ऐसे ही खेल खेल में सबका जो है मन पवित्र हो जाए जाने। और देखिए यही होता है कि शत्रु मित्र लगता है और मित्र हित की बात करते हैं तो खराब लगता है, और जो अहित की बात करता है हाँ वो बढ़िया नहीं। राम सिंह भाई कुल गजड़ी लिया हुआ यार बाहर एक को पुड़िया रखे कह रहे यार इतना जने भाई तो दोसे वाला भाग क्या मरदवा भाग बेकार भाई बीस वाला नहीं हो कुछ ऐसे ही नहीं आईबो करला 10 रुपया में कि नहीं वाला ऐसे ही बोल दे। चलो भूल जा ये कुछ नहीं जाने। तो काल राति निशी चर कुल केरी अतहि सीता पर प्रीति घनेरी। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है समझे, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति। देखा अगर शांति सुमति पवित्रता रखे चाहे तो ये अहम लालच कपट गुस्सा घमंड जलन ही कहाँ रख पैबे, ये खत्म ना हो जाए तो हुई ना वो काल रात्रि के समान। तो इतना नहीं हाथ जोड़ करके चरणों में पड़ जाते हैं कि तात चरण गही मांगो और राखहू मोर दुलार असीता देहू राम कहूं अहित न होई तुम्हार। कहते हे भाई मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता। देखो ऐसा भाई भी देखे के नसीब ने चरण का पकड़िए वो तो डंडा मार देता है एक एक बित्ता जमीनी बदे। और कहते हैं कि आप मेरा दुलार रखिए, माने छोटा भाई हूं तो बालक हूं पुत्र के समान हूं तो मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए और श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न। तो देखो वो हित और अहित के बात बा, और यहाँ हित और अहित के बात नहीं हो, यहाँ सीधे परम हित के बात बा। ऐसा रास्ता मिल जाता है जोने से सीधे ये ने कहे कि अभी सांसारिक प्रपंच यह सब जो बाणी है ओ बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी। पंडित माने विद्वान होला जानो आज समझ ले, पंडित माने विद्वान। तो विभीषण जी पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत माने जिसमें इनकी सहमति है ऐसी बाणी नीति बखान करके कहे, ऐसी बाणी नीति बखान करके। नीति माने वही धर्म ठीक कल्याण। तो जो अहंकारी होते हैं ना, जो अहंकारी होते हैं उनको नीति की बात अच्छी दुखरन भाई यह चित रखो आंख बा दूसरे तरफ। इन्होंने बहुत जो इन्होंने बड़ा कपटी है भाई
कब जो नो खतरा कर दी है नहीं, और इन्होंने से कपी ज्यादा हो मनवा, इन्होंने तो कुछ कमो है गाय को ऊपर लोड ज्यादा बने, जीभ के ही चाहिए, नाक के ही चाहिए, आँख के ही चाहिए, कान के ही चाहिए, चमड़ा के चमड़ा चाहिए, फूल तो मने के ऊपर लोड बा, यही सो विचलित। ओ तो जब ही निश्चित होगल कि जा कुछ होना चाहिए जय सीधा नहीं, तब जाके की स्थिरता। तो देखिए अहंकारी है उसको यह बात अच्छी नहीं लग रही है। तो सुनत दशानन उठारी साई, अखल तो ही निकट मृत्यु अब आई। रावण क्रोधित होके उठा और कहा दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है। जने तो ये हम करियन से खाली नहने के लालच के बात करबे तब अच्छा लगबे, जने अगर सही बात बतेबे जो उन्हें से कल्याण हो तो कहिए कि तू बेकार आदमी है, तू बात कर लायक ये ने। और क्या कहता है रावण कि जियसी सदा सठ मोर जियावा, अरि पुकर पाछ मूढ़ तो ही भावा। कहता रे मूर्ख तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, मतलब मैं तुझे जिलाता हूं तो तू ये साधु बोल रही है ईसन भाषा अहंकारी ने, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर मूर्ख पक्ष तुझे दूसरे शत्रु का अच्छा लगता है। यही से बताती मूर्ख से कुछ कहना बेकार बात। कहसी न खलयसे को जग माही, अभुज बल जाही जीता मैं नाही। अरे दुष्ट बता जगत में ऐसा कौन है जिसको मैं अपनी भुजाओं के बल पर नहीं जीता हूं। देखो यहां क्या दिखाता ने रावण ओके समझे बदे कि देखो ऐसा भाषा में वो दिखाता कि ये अहंकार मम पुर बसी तप सिंह पर प्रीति, असठ मिलु जाई ती नहीं कहू नीति। मेरे नगर में तू रहता है और इन तपस्वियों से प्रेम करता है, मूर्ख दुष्ट जा तो ये अपना नीति उन्हीं तपस्वियों से कह, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। जने तो वस कही कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। ऐसा करके वह जो है पैर से मार देता है और फिर भी वो उनका चरण ही पकड़ रहे, समझे। अगर सच्चा भाई वह तो इतना तक जो है निभावे के नियम बा, कहे कि यही सत भाई का नियम है और इस बात को आपके शिव गुरु जी कह रहे हैं। का कहते हैं कि उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। शिव जी यही कहते हैं कि हे पार्वती संत की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते, समझे। अब जितना जन यहाँ बैठा हुआ है अब सब जने के सब बात थोड़ा अच्छा लगा था यही में जने, लेकिन फिर भी यह ना बा कि भाई देखो यही रास्ते में चलवे, जब जमीन छोड़वे तबे आगे, यह ना भाई। हाँ कहे कि
नीति पे रहबे तो एक दिन आदमी समझी कि नहीं यार, आखिर के उन कहा हमसे एक रोहरी गुड़ मांगत आए रामचंद्र भाई, कभी कहे बहन की एक रोहरी गुड़ और एक गिलास पानी लिया है? कुछ नहीं। लेकिन नीति जौन बा कहे कि कार्य करे वाला धरती पर खत्म हो चुका बहन, सबकर बुद्धिया लालच बांध ले बा इस समय, और बड़ा प्रचंड ले रूप ले 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 बा लाल बिहारी भाई, समझे ने? सब भगवान शंकर जी का बाड़ी काट के नाम करना बा, देखो कुल करता है ने। तो देखिए क्या कहते हैं शंकर जी की बाणी बा, अगर शंकर जी के सेवक है तो यह चरित्र करे के, और बड़ा भाग्यमान लोग बाए कि कम से कम यहाँ जौन चरित्र देखा जाता, ऐसन भाई अगर जे रहबो करी ना ये संपर्क में आवे से वो जो हो श्री राम जी के सेवक खुदे बन जाई, उतना भयंकर रावण के तरह वो मारे वाला न बनी, ये ने? अगर रावण की तरह भाई रहे तब भी नीति बा, तब तो देखा इसने में अब सच्चा भाई उत्पन्न हुए के नहीं। फिर भी देखिए विभीषण जी क्या कहते हैं कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा राम भजे हित नाथ तुम्हारा। इसके बाद भी चरण पकड़ के यही कह रहे हैं विभीषण जी कि आप पिता के समान हैं, मुझे मारे सो अच्छा ही किए, फिर भी हे नाथ आपका भला श्री राम जी का निष्काम भजन करने में ही सही चीज देवा में कभी पीछे हटे के। और आप लोग तो भगवान के जो है कि कितना जन्म से सेवक है कि जितना भी मोह माया लपटे रहे, लेकिन आज भी इतना कम से कम अंदर भाव आवा था कि जाई चले कुछ सुनल जाई तो भगवान के भक्ति मिली, एक विश्वास लेके आवता है ना, तो ये उसने कपट अगर रखे रही है गुरु तो कहाँ से भवा बैठी। यही से देखो अब आप लोग एकदम निकल ले भाई, इतना कहते ही वो निकल लिए, वह ने कहता है कि जो यहाँ से भाग, तो भाई का आज्ञा तो मानता है, अपने मन से कहाँ जाता है नहीं ने? तो सचिव संग लय नभ पथ गय सब ही सुनाई कहत यस भय। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। जाते जाते समझ ले भाई, लोग काहे बदे पहले अपने बाड़ी पर अमल करें, कुछ भी हो जाए लेकिन बाड़ी न कटे। अब ही अनुभव बा आप लोगन के, बाद में जोन आई है जो नीचे के बहन निपुर चरखा जो कुछ पाप बहन इन्होंने के यो नहीं समझे। तो क्या कहते हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु असभा काल बस तोरी मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जनी खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु, उनका संकल्प कभी मिथ्या नहीं होता, एक एक वही है और समर्थ है, कर देंगे अपने से कर देंगे सब, सिर्फ भक्तों को अवसर देते जैसे शरीर के माध्यम से नुआओं में अवसर दिया गया, रायपुरिया में अवसर दिया गया, यहां भी अवसर है, अब उसमें से जो करना चाहे करे, नहीं तो अवसर खत्म हो जाएगा, फिर रहिए इसी हम हमारे में क्या कर सकते।
वो तो अवसर देते हैं भक्तों को, लेकिन अब जिसकी बुद्धि पलट जाए और जे नहीं कही गुरु तू कुछ कहे गुरु बस हम यही में घूम, जैसे शराबी लोग होले न उन्हें का धुन पकड़े हैं और यहाँ पर महामोह रूपी मदिरा सब पी ले हैं, महामोह रूपी मदिरा पिए बहन भगवान के हैं, रामा के जनों की खाना बना दी है का नहीं, भगवान के ऊपर भ्रम हो जाना यही के कलन महा वो बा एक चौपाई बने सरजू भाई तिनकर कहा करिए नहीं काना है, ये सब नर महामोह रूपी मदिरा के पान करे हैं कुछो भी बक दी हैं, यही से इनके बाणी पर कान देवे की जरूरत नहीं। और ये बिना विचारे ही बोल देते, कहा के विचार करके देता पवित्र भाव में, और कहते हैं कि हे रावण तुम्हारी सभा काल के बस में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर के शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। तो देखा इतना जब भयल तब जाकर के प्रभु के शरण में विभीषण जी, तो ये बतावे आपो लोग वही रास्ते पे चल बे कि जब पतो हो लोग चप्पल लेके मारा शुरू करी है तब शरण में ही बे। यह बात समझ ले कुछ नहीं सरजू भाई, अबे निषाद राज जी के काम हो उन्हें पता नहीं हुआ, दुखरन भाई रामचंद्र भैया लाल बिहारी भाई और तोरो काम हो भाई, तू कर ले कुछ चले, इतना जने तो साफ साफ इतना कह दे कि बच्ची भैया हो बच्ची हो अब हम मत तक कुछ अड़वे और न तक कुछो पूछे, अब हम अपन मन से प्रभु के शरण में रख देता ही, बस खाली प्रभु के ही सोचब उन्हीं के सुमिरब उन्हीं के भजन करब, बीचे में कौनो बाधा इतना अगर बिनती से अगर कह देवे है, कहे कि प्रभु ऐसे हैं कि आपके अहंकार को कितनों करोड़ों करोड़ों जन्म लिए हैं, वो बिना स्वार्थ के सबका जो है सच्चा साथ, ब्रह्मा जी जितना आयु दिए हैं वो पूरा का पूरा साथ निभाते हैं, और एक प्रभु मात्र ऐसे हैं कि स्वार्थ रहित सखा सब ही के, और बाकी कुल स्वार्थी हैं। देख ले जा एक को जने ऐसा नहीं जुड़ा बात जे कि स्वार्थी बहरे तो छोड़ा अपने जीभ नाक आंख कान चमड़ा के देख ले, इन सब जुड़ा बन इनका स्वार्थ कितना तगड़ा बा। तो प्रभु श्री राम जी के अलावा कोई अब बतावा ऐसने संगी का साथी न बनवे, और यही सब स्वार्थ में अगर खत्म हो जाता शरीर तो कौन बुद्धिमान बाए है। ये न तब जान ले कोनो दिक्कत नहीं बा भाई, जे यही बारी न मानस धोए ते कायर कली काल बिगोए, जो भी मनुष्य इस ज्ञान गंगा रूपी जल से अपने मन को पवित्र नहीं किया वह डरपोक है सियार है, और वह कलयुग के द्वारा मात्र ठगा जा रहा। ये ने गणेश जी फुलवार साहब के माध्यम से जाता तो बाड़ी जे भी सुना जहां भी सुनो पूरा श्रद्धा के भाव के साथ एक एक शब्द के कान मन बुद्धि और चित्त लगा के सुन के मन के पवित्र कर ले, भगवान में मिल जाइबे, और जब तक मन पवित्र ना होई
तब तक कितनों कोशिश कर ले फोन मिलावे वाला, ठीक नहीं? तो भाई यहाँ तक तो बात हो गया, यानी अब इन्हें लंका से तो कम से कम निकाल दे। और आप लोग भी जो ना ये लंका रूपी जो हो जो संसार के का कहियो के सच्चाई दिमाग में बैठा बा कि संसार सच्चा हो, वो भ्रम तो उसमें निकाल दे। निकाला तो इन्हें लंका से निकाली नहीं, तभी वही के ऊपर टंगा रही है। बोला सरजू भाई से शुरू करी, सरजू भाई कहिए गुरु तू जब कोई के नहीं पहुंचा था हमें के कॉल है। सरजू भाई लंका से निकाल दे, निकाल देने अब प्रभु के शरण में आ जाए, जाने ये ने। अरे बस यही चार लोग पन्ना न पड़ता राम जी भाई जने वो सबके ने राम किसान भाई सब पिलर लगावे के पड़ाला कि तनको जन हो मन में बोझ सरल होना चाहिए, अंदर बाहर से एक हुए। हाँ अब आप लोग बल्कि ने समझ के ने बाद में बताया भी कि नहीं अंदर में जो नहीं पाखंड के प्रति इतना जो है आंख लाल बा, अगर ये उचित नहीं बा तो वो अपन नहीं महाराज जी उचित बात अब ही नहीं अपन समझ दे है। लेकिन यह कि अंदर में भवाऊ बा, अंदर में बा यही से बहरे निकलौता, कहे कि यह अवस्था में इतना जरूर बा कहे कि भक्तन के लोग खून पियतन सही मार्ग दे ही नहीं पावतन, एक आदमी पकड़ी नहीं पावतन, समझे? ठीक ठीक ना, अब निकलो आराम से। किस कही चला विभीषण जब ही आयु हीन भ ए सब तब ही, ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही निकलते हैं वैसे ही सभी राक्षस आयु हीन हो जाते नहीं, बस उनकर बस वही ना वो काल के घेरे में आ गए तुरंत। अब उनके अंदर कभी जो है प्रसन्नता, अब खाली हुआ बैरे बैर। इसलिए किसी भी परिवार में जब तक एक साधु पुरुष है तब तक वह कुल की मर्यादा का रक्षा कर लेगा, और जब साधु पुरुष निकल गया घर से तो वहां पर सिर्फ विपत्ति का ही सेना आकर के घेर, तो वहां खाली कट 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 हो ही जाने, वहां शांति। जब तक नहीं पता रहा सरजू भाई तब तक नहीं रहा। दुखरन भाई बड़ा अच्छा से समझ ले, कहे कि शिव जी के बाड़ी बा कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। कहते हैं शिव जी कि साधु का अपमान, अपमान का बा जवन समझ में आवता नहीं करोता है तो ये अपमान नहीं भल मरवे तबे तो जौन बात बुद्धि कहता कि नहीं सही बात बा आप ये है करे के, अगर बुद्धि आपके जो ना हस्ताक्षर कर देता तो उसे कर लेवे चाहिए। कहे कि भगवान शिव जी कहता है कि हे भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का हानि यानी नाश कर देता। माने अगर ये बात सुन के समझ के ये रास्ते पे अगर नहीं जे चल पावता तो जब तक महाप्रलय न होई तब तक होकर मुक्ति हो वाला, तुरंत सभी कल्याणों की हानि तुरंत हो जाती है। ऐसा आपके शिव गुरु कहते कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी अकर कल्याण अखिल कह।
आनी रावण जब ही विभीषण त्याग हयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण जिस क्षण विभीषण जी का त्याग किया उसी समय वह अभागा, वैभव यानी ऐश्वर्य से हीन हो गया। इसलिए साधु पुरुष का तो कभी अपमान सोचना तक नहीं चाहिए यानी, लेकिन साधु पुरुष का और कपटी हो तो के पलट दे हनुमान जी की तरह। वो मैं तनको ही नहीं, भेष देख करके सब कोई जो है ना भ्रम में हो जाले याने, ध्यान दे। तुलसी देखी सुबेशु भूल ही मूढ़ न चतुर नर, समझले। ई साधु का भेष देख के भाई जौन मूढ़ व्यक्ति रहले उन्होंने भ्रम भूल जाले, उन्होंने की लगला ई बाबा जी, लेकिन जे चतुर नर हो वो 150-200 साल बुढ़ा कोई कितनों जटा बढ़ा के बैठ जा वो तुरंत देख लिये का है, वो उम्र के हिसाब से जो नो या दाढ़ी बढ़ावा से जटा बढ़ावा से कोनो मतलब है, तुरंत फर्चा फर्चा पता लग गई। अगर कोई भूला बा तो मूढ़ बा, मूढ़ मतलब समझत है, ओकर चित्त एकदम जो है माया के बस में बा, ओकरे अंदर भक्ति भाव नहीं बा। जेकरे अंदर भक्ति भाव रही वहां अगर जीवो करी देखो करी तो समझ जाए कि यहाँ कुछ ठीक। देखो ऐसे ही में कुछ लोग ज्यादा लोग तो फंस गए बान कह के समय नारी विवश नर सकल गोसाई अनाचा ही नट मर कट की नाई, ए समय मेहरारू से सब विवश बा कैसे न होई। एक अधर्मी राजा तो अपन सीधे कि मेहरारू अगर जो है कि फोन करेस नहीं कि 48 घंटा बदे अंदर, यही से बेचारे कुल डर गावन में नहीं ने नहीं क्या करवाई। कलयुग का प्रभाव बा एमे यह कुल नौटंकी, चले कम से कम अभी भी एक राहत बा, अभी ऐसा कानून नहीं बा कि मेहरारू के लगे अगर रोज न सुतबा तक जेल जाए की पड़ी। अब भाई इतना राहत नहीं, हाँ नहीं अगर इतनो नियम निकाल दी तब तो यार मोरी जाइब है, वह गुड़ और चूटा वाला। अब भाई तो ऐसा नहीं मार नियम ने, हाँ और इतना जान ले कि अगर ऐसा नियम नहीं बात भाई भी लहान बा नहीं। अरे भाई सेवा होता है बा, अंतिम सांस तक न छोड़ो साथ, समझो बाबा कहे कि कलयुग ई कुल समझावा था ना, कलयुग जो ना कि हाथ मिसा था कि क्या कहत आए। अब क्या करबे तोरे राज्य में थोड़ो भाई, अब तो शिव जी का सेवक बन गया भाई नहीं। अब पार्वती जी और गणेश जी अपन जोन कुछ अपन चाहे बना के लिया, रोटी तरकारी न लिया मत लिया मैं, जब यहाँ बात शरीरी का कोनो आ सकती है नहीं भाई। अब ठंडी पड़े गर्मी पड़े बरसात हो बर्फ पे रहे आगी में फेंका पानी में फेंका कुछ हो मतलब, लेकिन सत्य से कोई रोके वाला अब नहीं बा धरती पर। तो आप ऐसा मन के पवित्र कर ले याने, कहे कि अब लंका से निकल गए, अब बीच में बाहू है समुद्र याने। तो चले हरषि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों पवित्र मनोरथ करते हुए श्री राम जी के पास चले, पवित्र मनोरथ याने फसावे बदे नहीं। ऐसे ही भुवनेश्वरी और अनुराग भी चल दें
लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं वो पवित्रता नहीं रहा, नहीं तो हाँ ऐसन व्यवस्था हो सकत रहा, लेकिन अब वो पवित्रता नहीं, वह अधिकार लगन दिखावे तो बस सोच न चले क्या करवे। फिलहाल ये सब बाड़ी अगर पहुँचाता तो जरूर जो है सुन के समझ में आई, काहे की नीति बा कि अगर जे शरणागत के भाव से आएगा ओके श्री राम जी कभी अस्वीकार। लेकिन अब नर लीला खत्म तो अब तो वो खत्म हो गल नहीं। आप लोग कह ले कि भाई देखो एक सधुआई नगर साथे रहे तो की अच्छा लगी। हाँ कहे कि अब नीति खत्म होगा ने, ठीक ने। तो चलो कोनो बात नहीं, वैसे इतना जान ले कि ये जो परमात्म तत्व है उनमें उस धरती पर लीला बदे अब कर ले, प्रपंचीय लोग रह ले साथे समझौता कर ले, ले राम जी भाई सीता राम जी कहाँ साथे रहते हैं ज्यादा, बिया भल तब से वनवास हो गए, वनवास में कुछ समय तक रहे तब से रावण, जीत के आए तब से फिर सीता जी के वनवास। सीता राम जी बदे यानी भुवनेश्वरी और भुवनेश्वर बदे ये धरती ये खाली प्रपंची बदे हो, ये ने क्या करवे गणेश जी, बस यही माध्यम से भाई सबके मन में संतोष हो जाए और मन शिव जी के चरण में लग जाए, संसार से वज्र हो जाए, बस उतने से काम वज्र हो के पड़ी जाने। वो तनको अगर रिसत रही ने कि नहीं अभी चला सड़ूंगा इनके यहाँ जाएंगे बा, अभी तनको न चले जने, अभी भी ने राजू भाई का सड़ूंगा इन साथ छोट छोट भाई। हाँ ध्यान दे, अब कोई कितनो आकर के जीजा जीजा कहे लेकिन कोनो मतलब। हाँ अरे भाई वो नहीं हो पटदारे उड़दारे में के मिला जुला के तो सर बाबा लाया। आप सुना आप संसार नहीं बा बोले बोले संसार। हाँ ये ना तो शरम कह आवा था बिटियन के नभाव से देखबा तो शरम आई, तो बड़ी अंतर बात है का नतनी के भाव से देखो। हाँ हाँ जब सड़ुगाई के भाव से देखबा तो शर्म आई गए, शर्म ऐसे न आई देखा फौस गई ले। अगर शर्म आवा था जाने जे करे शर्म ओकर फूटा ती जान ले कि अगर जे कोई आऊ गल ने तो उम्र के हिसाब से बच्चा कहे गुरु अमेरिका में सब इतना रह ले और इतना अंग्रेजी पढ़ ले तो ये कुल कैसे याद बा। अरे गौवा में 16 साल रह करे ने, अब 16 साल में बहुत कुछ आदमी जान जाला। ठीक यही से शर्म करना, अगर जहाँ शर्म है जाने डर है वह प्रेम कभी पवित्र नहीं हो सकता, वह प्रेम कभी पवित्र। तो देखा वो बढ़िया मनोरथ क्या करता है ना, वह देख ले बस दूध चौपाई बा कि देखी हूँ जाई। अब देखो आप लोग भी अब निकलो मन यहाँ से हटाओ, संसार के दिमाग में मत रखो, संसार के कोनो अर्थ नहीं बा, जोन कबड्डी खेल ले खेल ले ले ये ने। तो देखी हूँ जाई चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। सोचते हुए जा रहे हैं कि मैं जाकर प्रभु श्री राम जी के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूं जो सेवकों को सुख देने वाले, सेवकों को सुख देने वाले हैं। तो वह चरण क्या है, मोह माया और निजी इच्छा से रहित, मोह माया
और निजी इच्छा से रहित हो जाइए, वही जो है प्रभु का चरण। यदि इतना कर लिए तो आप उस चरण के अधिकारी। अजे पद परसी तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी। उनके चरण सेवकों को ही सुख देने वाला अहंकारियों को नहीं है। नहीं, अहंकार इसके बाद मोह माया छोड़ दे, जो जुटाया है सब दान कर दे, क्या तो और दिमाग खराब हो और जिन चरणों का स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले उस शरण को जाकर देखूं। इतने नहीं, जे पद जनक सुताउर लाए कपट कुरंग संग धर धाए। जिन चरणों को जानकी जी यानी भुवनेश्वरी जी सभी भुवनों की मलकिन समझिएगा, क्योंकि ये सीताराम जी एक ही है, ये कोई अलग अलग, वो अलग अलग सिर्फ रूप है, उनमें कहीं भेद नहीं है जी। हृदय में धारण कर रखी है कौन सा चरण, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे, जात रहे जब दौड़त रहे लेके धनुष बाण, तो वह चरण देखे और वही चरण के लेके वही का ध्यान ही वो ताला हो और राम नाम रूपी ध्यान वह किवाड़ हो, ध्यान किवाड़ हो और राम नाम रूपी दो पहरे, और जो अपने चरण में चरण के नाखून में मन लगाए हैं वही, अगर यह तीनों काम हर पत्नी कर ले जाए तो वह पत्नी सीता जी के स्वरूप में आ जाए। कितना सरल बा, समझे? तो मैं उन चरणों को देखूं तो इतना नहीं, देखा पकड़ जा, 5 मिनट के अंदर कुल बात हो जाएगी। हर उर सर सरोज पद जेई ओहो भाग्य मैं देखी हूं ते। और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि मैं उन्हीं को आज देखूं। तो जो हृदय में, जो अपने चित्त में सत्य को धारण करेगा, निश्चित है कि शिव जी उसके हृदय में विराजमान, और शिव जी के हृदय में विराजमान है क्या, श्री राम जी का चरण। और ऐसे श्री राम जी का मर्यादा उल्लंघन करके राक्षस लोग अपने अपने फोटो का पूजा करा रहे, समझो बात इतना बारीक बा, दुखरन भाई समझत है। यह ध्यान रखो, इके याद रखो, कहे कि अब यह याद लेके तू सबे जो नो रात भर का समय हो, काल दिन भरे का समय हो, इतने में बस प्रभु के शरण में रहते हुए सेवा दे, अंतिम सांस तक घर छोड़ा के बदे नहीं पाई यहाँ से, ठीक ना? लेकिन वही स्थिति में रहते हुए वो जबरदस्ती या
दबाव में। और सबसे बड़ी बात है कि जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, अते पद आज बिलो की हूँ इन्हें नयन नहीं अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी अपना मन लगा रखे, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूं, जने तो वो तो आज के दिन देख ली है। आप लोग रात भर दिन भर अवरोध देख ले और कुछ नहीं, सेवा हुई लेकिन उनमें जो है कोनो दबाव ना हो, इतना तो खाली करे के बाद ठीक ना। तो इसी वाणी के साथ विभीषण जी सहित सभी भक्तों की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यही लक्ष्य है भाई, इसी को सब जीवों को प्राप्त करना है। जय श्री राम।